बता रही मेरी बात, किसकी जात रहमान रहीम है? अल्लाह ताला की जात। क्या है? अल्लाह क्या है? अल्लाह पाक की जात रहमान भी है और रहीम भी है। अल्लाह क्या कहते हैं, वो बहुत, अल्लाह पाक जो है वो बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर, तमाम मखलूकात पर, और अल्लाह पाक रहम करने वाले। ठीक है, रहम करने की जो सिफत है वो सबसे बढ़कर किसमें है? अल्लाह पाक में। तो इसलिए हम हर काम जो शुरू करते हैं वो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। ठीक है जी। और जनाब, जुम्मे के दिन के कुछ आदाब है, कुछ सुन्नत है, और उसमें यह है कि आपने जुम्मे के दिन गुसल करना है, ठीक है, साफ और अच्छे कपड़े पहनने हैं, ठीक है ना, क्या करने हैं, साफ और अच्छे कपड़े पहनने हैं, मिसवाक करना है, क्या करना है, मिसवाक करना है, ठीक है जी, और क्या नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के साथ आपने क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है ना, दुरूद शरीफ जो सबसे छोटा दुरूद शरीफ है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, और जुम्मे के दिन आपको उसका बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाते हैं। क्या करते हैं? 10 मरतबा रहमत नाजिल करते हैं। कौन नाजिल करता है? अल्लाह पाक। और दुरूद हम किस पर पढ़ते हैं? दुरूद शरीफ हम किस पर पढ़ते हैं? नहीं, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। हम दुरूद अपने आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं, और उसके बदले में अल्लाह पाक अपनी रहमतें हम पर नाजिल करते हैं। ठीक है जी। तो जुम्मे के दिन क्या क्या करना होता है? जुम्मे के दिन गुसल करना है, ठीक है जी, मिसवाक करना है, और नमाज पढ़नी है, दुरूद शरीफ की कसरत करनी, यानी बहुत ज्यादा तादाद में दुरूद शरीफ हमने पढ़ना है। तो ये आपको जुम्मे के दिन की सुनते हैं, और उसके अलावा सूरह पाक पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग अभी छोटे हो और बिल्कुल स्टार्ट है आप लोगों का,